सर आज जो आपने करण जी को जो जिम्मेदारी दी है, क्या चीज बने? सर आने वाला एमएलए का चुनाव है, तो एनसीपी अपनी भूमिका कहाँ तक निभा पाएगी? एमएलए का चुनाव में अभी 2.5 साल से ऊपर बाकी है। जी राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले पूरी जोश खरोश के साथ, पूरे ताकत के साथ आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, जिसमें युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में टिकट देकर के उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जिस तरह से सर आम आदमी पार्टी आए दिन गिरती हुई नजर आ रही है, और उनका भी दावा है कि अगर हमने निगम में सीट नहीं पाया तो आने वाला चुनाव जो एमएलए का होने वाला उसमें हमारी जीत हासिल होगी, तो क्या लगता है आपको एनसीपी दावा जो कर रही है और जो और सरकार? आम आदमी पार्टी की हालत खस्ताहाल है। आम आदमी पार्टी ने जनता से जो झूठे वादे किए थे उन वादों पर खरा नहीं उतरी है। जनता उन्हें सबक पिछले नगर निगम के चुनाव में सिखा चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरा दूसरी होगी आम आदमी पार्टी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के द्वारा की कमियों और भारतीय जनता पार्टी के संप्रदाय के मिथ्यों को जनता के सामने उजागर करते हुए जनता के भलाई के लिए जो कार्य होंगे, उनके लिए जो संघर्ष होगा उसके लिए समर्पित है। और आने वाला विधानसभा चुनाव पूरे ताकत और कितने कैंडिडेट को उतारने की सर इस बार सोचा है आपने आने वाले? पूरी सीटों पर अंदर सभी सीटों पर लड़ेंगे, सभी सीटों पर रहेंगे। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। सूरज सर, जिस तरह से अभी सर ने बताया कि आने वाला एमएलए का चुनाव है और पूरी तैयारी के साथ जो एनसीपी इस बार जो एमएलए के चुनाव में उतरेगी और अपनी जीत हासिल करेगी, आज आपने करणवीर जी को क्या पद दिया है और कौन सी जिम्मेदारी उनको सौंपी? उनको मैंने करण जी को मैंने जो दी है वो जो है बवाना जिला अध्यक्ष है जी, और उसमें वो बहुत अच्छा काम करेंगे और कर रहे हैं, पहले कुछ कर रहे थे, इसीलिए उनको सम्मानित किया गया है। इसी बात से कि जिला अध्यक्ष उनको नियुक्त किया। क्या लगता है सर, नए चेहरे नए जोश के साथ जो आपने करण जी को चुना है वो कितनी हद तक आगे जा पाएंगे या फिर आगे से ही उठन मार लेंगे? नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा लड़का, बड़ा अच्छी मेहनत कर रहा है उस इलाके में, ज़बरदस्त दबंगों की तरह इसका काम चल रहा है और मुझे तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये मेरा नाम बड़ा अच्छा रोशन करेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।